हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1.3 एंड 1.4. क्वेश्चन नंबर 1.3 इज गिवन, चेक द रेशियो के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी इज डायमेंशन लेस. इसे हमें चेक करना है, दिस क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस. तो सबसे पहले इसको डायमेंशन लेस प्रूव करने के लिए हमें इन सारी वैल्यू का डाटाज लिखना पड़ेगा. ओके, तो सबसे पहले हम जानें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के. के इज 9 × 10⁻⁹. आप फोर्स की वैल्यू जानते थे, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से इसका जो यूनिट होगा दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर. इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलम पर कूलम स्क्वायर. जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस कंटेन वैल्यू 6.67 × 10⁻¹. और इसकी यूनिट आपकी निकलेगी एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर से. तो ये निकलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर. और यहाँ पर केजी माइनस टू. एम ई द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एम पी मास ऑफ प्रोटॉन. व्हाट इज दैट इज 9.1 × 10³ केजी एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 × 10⁻²⁷ केजी. दीज आर द डाटास कंटेनिंग दिस वैल्यू. अब हमें ये दिखाना है कि पहले पार्ट में दिखाना है कि ये जो रेशियो है दिस इज डायमेंशन लेस, अर्थात ये डायमेंशन है. तो डायमेंशन निकालने का मतलब क्या है कि या तो मैं इस वैल्यूज का डायमेंशन रखूँ या तो इसके यूनिट को डायरेक्ट रखूँ. क्योंकि डायमेंशन का सीधे कनेक्शन यूनिट से होता है. तो बच्चों, अगर हमारे पास यूनिट यहाँ पर रेडी है, अगर मैं यूनिट को डायरेक्ट रख दूँ और कोई यूनिट नहीं मिलता तो ये फिजिकल क्वांटिटीज भी क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी. तो सबसे पहले मैं के की के का डायमेंशन रखता हूँ, के का यूनिट रखता हूँ. दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस टू. ई ई मीन्स क्या होगा, ए भी क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा बाई जी. जी का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस टू. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हुज यूनिट इज के जी एंड मास ऑफ प्रोटॉन हुज यूनिट इज आल्सो के जी. सो व्हाट हैपन, देखो ये कूलम पर माइनस टू चार्ज, ये कूलम पर प्लस टू चार्ज, इसको कैंसिल कर देगा. के जी पर माइनस टू चार्ज, के जी पर यहाँ पर वन प्लस वन टू चार्जेज मिलेंगे, ये इसको कैंसिल कर देंगे. तो यहाँ पर आ गया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर. और ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा क्या, वन. सो वी कैन से दैट सिंस दिस रेशियो डजेंट एनी यूनिट, कोई यूनिट नहीं रखता, सो इट इज डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशन लेस. आते हैं इसकी दूसरी बात करते हैं, लुक अप द टेबल ऑफ ए फिजिकल कॉन्स्टेंट. इन सारे फिजिकल कॉन्स्टेंट की वैल्यूज देखते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो. और हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि इसकी वैल्यू, इस रेशियो की वैल्यू क्या आती है. तो बच्चों, इस रेशियो में हमें ये सारी वैल्यूज पुटअप करने होंगे. हम यहाँ के की वैल्यू क्या रखेंगे, 9 × 10⁻⁹. ई की वैल्यू रखेंगे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इसका स्क्वायर होगा. जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹. एम ई की वैल्यू रखेंगे 9.1 × 10⁻³⁹. और इसकी वैल्यू रखेंगे 1.66 × 10⁻²⁷. अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 9 × 1.6 × 1.6 टू टाइम्स आ जाएगा और इंटू 10 का पावर यहाँ 9 आएगा और यहाँ 19 का स्क्वायर मतलब माइनस 38.
बाई, यहाँ पे सारे डाटा अलग अलग कर लें, 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.66 इंटू 10^-11, यहाँ -31 है और यहाँ -27 है, ठीक है। तो आप देखो, एक प्लेस पर डेसिमल यहाँ है, एक प्लेस पर डेसिमल यहाँ है, एक प्लेस का डेसिमल ये, और अगर एक प्लेस का डेसिमल मैं यहाँ हटाऊँ तो अगर एक जीरो बढ़ा करके एक प्लेस का डेसिमल ये हटा सकता हूँ, तो ये होगा क्या, 9 × 16 × 16, और यहाँ 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 का पावर हो जाएगा -29। देखो बच्चों, यहाँ टू प्लेस पर डेसिमल अभी रह गया, तो इसको हम कर लेते हैं, टू प्लेस पर डेसिमल हटा के 667 करते हैं, इंटू 91 इंटू 166 इंटू 10 का पावर आपका आ जाएगा, यहाँ सबको ऐड कर लेंगे, 718 819 23516, -69, और टू प्लेस इसको राइट में लेकर के गए हैं तो -2 हम यहाँ ऑलरेडी ऐड कर देंगे, 28 + 28 + 23 + 6, गेट 9 × 72 इंटू 16 इंटू 10^-29 +71 बाई 667 इंटू 91 इंटू 83। When we will solve it, we get 2.287 into 10^39. It means you can say that this is 2.3 into 10^39. This is the value of the ratio. कहता, what does the ratio signify? Next particle में कहता है कि ये value क्या signify करता है? बच्चों, ये जो रेशियो दे रखा है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, अगर इसको मैं यहाँ आर से डिवाइड कर दूँ, आर स्क्वायर से, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ आर स्क्वायर से, तो देखो बच्चों ये क्या हो गया, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि अभी आपको हमने यहाँ बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, एफ इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो क्यू वन और क्यू टू के प्लेस पर यहाँ पर ई स्क्वायर लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर क्या चार्ज है वो हमें लगाने हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज चूँकि सेम होते हैं, केवल उनका साइन चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर Q1 और Q2 के जगह क्या लिखा गया, E इंटू ई मीन्स ई स्क्वायर लिखा गया है। सो व्हाट हैपन अबाउट दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, सो दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, और अभी हमने प्रीवियसली सॉल्व किया है कि दिस इज इक्वल टू 2.3 × 10^39, तो यहाँ से हमको क्या मिला, एफ ई की जो वैल्यू मिली वो 2 × 3 × 10^39 इंटू एफ जे मिली। इट मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज प्रोटॉन, तो इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दैट इज 10^39 टाइम्स ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो यहाँ ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही स्ट्रांग होता है। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 1.4a इज गिवन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड इफ इट इज इंक्रीज्ड आर डिक्रीज्ड बाय सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सर्टेन वैल्यू के थ्रू इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटाइज्ड होती है। अगर ऐसा हम नहीं करते, अदरवाइज इट इज कॉन्टिन्यूअस, अन्यथा ये क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। बच्चों एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं।
कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम वन बाय वन इंक्रीज करते हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू के थ्रू इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड होगी। बच्चों, आप सभी लोग स्कूल में पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, तो एग्ज़ाम भी देते हो, एग्ज़ाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर किसी पेपर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या आपने कहीं देखा है कि क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं 9.5, 10.5, 20.5? ऐसा कभी नहीं होता। अगर उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, तो या तो 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, या ग्रुप ऑफ 10 क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ 20 क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ 30 क्वेश्चन, ऐसा आपके पेपर में होता है। अगर आपको आवश्यकता पड़ जाए कि उस पेपर में हम कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ावें, तो आप 1 क्वेश्चन बढ़ाओगे, या 2 बढ़ाओगे, या 3 बढ़ाओगे। इट मीन्स यू हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर बाई वन एज लाइक दिस। सो सच टाइप्स ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एनी क्वेश्चन इज क्वेश्चन पेपर इज क्वांटाइज्ड। आप कभी भी 10.5 क्वेश्चन नहीं करते, नहीं देते। तो अगर आप 10.5 नहीं देते, मतलब उस क्वेश्चन पेपर में 10.5 क्वेश्चन नहीं होते, तो वो क्वांटाइज्ड होगा। और अगर आप ऐसा देते हो, तो क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूस होगा। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर मैं टाइम को ही देखूं, अगर किसी क्वेश्चन पेपर को आप एग्जाम में दे करके सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ टाइम क्या है? टाइम इज़ नॉट क्वांटाइज्ड। क्योंकि जब एग्जामिनेशन पेपर को क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो, तो सॉल्व करते समय यह दिखाई देता है कि आप उस क्वेश्चंस को कितने समय में करोगे, इट इज़ नॉट क्लियर। आप 10 मिनट में भी करोगे, 10.5 मिनट में भी करोगे, मोर टाइम भी ले सकते हो, कम टाइम भी ले सकते हो। यह डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को कितनी एक्यूरेसी के साथ करते हो। तो इन दिस केस टाइम इज नॉट क्वांटाइज्ड, इट इज कॉन्टिन्यूस। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टाइम है वो फिक्स्ड नहीं है, वो क्या है, उसकी जो टाइम का इंक्रीज या डिक्रीज होना है, वो फिक्स ना होने के कारण वो क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। उसी के आधार पर यहाँ पर लिखा गया है कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्जेज। किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वह हमेशा इंक्रीज्ड होता है या डिक्रीज्ड होता है बाय द मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्जेज। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है किसी बॉडी पर? ई होता है। अगर आप उसमें एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? एन ई हो गया। अब देखो, किसी बॉडी पर, अब यहाँ एन क्या है? दैट इज इंटीग्रल, इंटीजर। अब ये इंटीजर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अर्थात किसी बॉडी पर चार्ज अगर आता है या जाता है, तो या तो 1 चार्ज आएगा, या तो 2 चार्ज आएगा, या तो 3 आएगा। मतलब जब भी जाएगा वो इंटीजर में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी बॉडी से हाफ चार्ज निकल गया या किसी बॉडी पर हाफ चार्ज आ गया। सो क्वांटाइज्ड मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी पर आ रहा है, तो वह जो एलिमेंट्री चार्ज है, जो बेसिक चार्ज है, उसमें इंटीग्रल मल्टीपल होगा, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एन ई। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए। नाउ वी विल मूव इन द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? एक हम बड़े स्तर की बात करते हैं, दैट इज लार्ज स्केल चार्जेज। लार्ज स्केल चार्जेज की बात करें तो बच्चों देखो, वी कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम इलेक्ट्रिक चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं इन लार्ज स्केल चार्जेस, लार्ज स्केल चार्जेस, बिकॉज वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो बच्चों यहां से एन की वैल्यू क्या हो गई? क्यू बाई ई हो गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई हियर? 1.6 × 10⁻¹⁹। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ई, दिस इज़ द बेसिक चार्जेज। अब बच्चों अगर किसी बॉडी पर हम अधिक चार्ज दे दें, इफ
क्यू इज मोर, अब इफ क्यू इज मैक्रोस्कोपिक, अर्थ माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने क्यू की वैल्यू किसी बॉडी पर बहुत बढ़ा दिया, तो बच्चों अगर मान लो किसी बॉडी पर क्यू की वैल्यू थोड़ी देर के लिए, फॉर एग्जांपल समझो हमने क्या कर दिया किसी बॉडी को 32 कूलम, हमने क्या कर दिया क्यू की वैल्यू हमने मान लिया किसी बॉडी पर 32 कूलम चार्ज दे दिया, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 32 कूलम। अब देखो यहाँ हमने क्यू की वैल्यू 32 रखा और ई की वैल्यू हमें क्या रखना 1.6 × 10⁻¹⁹ रखना है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे, दिस इज ऑल्सो इन कूलम, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो बी इंक्रीज हियर 0, दिस विल बी कैंसिल आउट एंड 16 जा, दैट इज यू गेट 20 × 10 को पावर को ले जाएंगे ऊपर 10⁻¹⁹। तो बच्चों देखो 10⁻¹⁹ इज वेरी लार्ज क्वांटिटी, इट मीन्स इफ यू हैव इंक्रीज्ड हाउ मेनी जीरोज आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and up to 19, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19, into 20। बच्चों अब ये वैल्यू इतनी लार्ज है तो उसके बगल में जो ये n की वैल्यू आ रही है ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। ये जो n की वैल्यू आ रही है जहाँ इतनी लार्ज क्वांटिटी ऑलरेडी यूटिलाइज्ड हो रही है उसके बगल में 20 एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए हम इस 20 को माइक्रोस्कोपिक के केस में क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो वी हैव इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या हुआ कि अगर ये क्वांटिटी हमारी डेसिमल में भी आती या कुछ भी आती तो उसे हम एज ए इंटीजर की ही तरह ट्रीट करते। अगर मान लो ये 32 नहीं होता, सपोज कर लेते कि हमारी जो क्यू की नई वैल्यू आती वो 30 कूलम आती, तो हम यहाँ क्या करते, इसकी वैल्यू 30 रखते और इनटू 1.6 × 10⁻¹⁹ रखते, इस डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ जीरो बढ़ाते, अब इसको 60 से डिवाइड करते 8, 9 × 10⁻¹⁹। वंस अगेन 10⁻¹⁹ इज़ अ लार्ज वैल्यूज, इन द कंपेरिजन ऑफ दिस वैल्यू 1.89 इज जस्ट टेकन एज ए इंटीजर नॉट एज ए कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस का मतलब ये आपने फ्रैक्शन में निकाला है, 1.89 इज इन फ्रैक्शन, तो ये जो फ्रैक्शन में जो क्वांटिटी निकाला है दिस इज जस्ट एज ए ट्रीट एज ए इंटीजर। सो फॉर ए माइक्रोस्कोपिक वी कैन सपोज वी कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।